हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BinaryTube प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों का आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास ले रहा हूँ। लेक्चर 11 पे मैंने छोड़ा था। लेक्चर 11 हम लोगों ने ओएस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी ओएस के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 12 में। और लेक्चर 12 में आप देखते हैं सबसे पहले फंक्शन ऑफ ओएस, ओएस के क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो सबसे पहला काम अपने तो शुरू में बता दूँ, थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूँ। ओएस क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे मशीन के बीच में इंटरफेस कराता है। पहली बात, कितने सिस्टम के पार्ट्स उसको मैनेज करता है, ठीक है, कितने डिवाइस ड्राइवर उनको मैनेज करता है। यानी एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, बिना इसके आप सिस्टम नहीं चला सकते, ठीक। तो डिफरेंट ओएस होते हैं, जैसे विंडोज़ का 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया मोबाइल के लिए, ठीक है, उबंटू हो गया, जो लिनक्स के लिए, मैक हो गया, एप्पल के सिस्टम के लिए। यानी आपके सिस्टम में एक ओएस होना जरूरी है। ओएस करता क्या है? तो सर ओएस के बहुत सारे काम, लेकिन उसके मेन फंक्शन जो होंगे उसमें पहला है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, इस जैसे मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो किसकी बात होगी? प्राइमरी मेमोरी यानी रैम की। आप लोगों को पता है रैम लिमिटेड होता है, ठीक, 2 GB 4 GB होता है, लेकिन प्रोग्राम हमारे बहुत सारे होते हैं, तो हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए या चलाने के लिए मेमोरी आवश्यकता बढ़ती है। तो अगर हम कई सारे प्रोग्राम जब खोल देते हैं और जब प्रोग्राम की साइज बढ़ती है, मेमोरी कम हो जाएगी, तो क्या वो सिस्टम हैंग हो जाएगा या सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू, जो कि ओएस के थ्रू द्वारा होता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो हमारे मेमोरी मैनेज करता है। यानी जो खुला है उसको देगा, जो मिनिमाइज उसको मेमोरी छीन लेगा, जो बंद कर दिया मेमोरी उससे ले लेगा। यानी एक तरह से क्या करता है, हमारी मेमोरी की मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन करता है कि एप्लीकेशन के हिसाब से किसको कितना मेमोरी देना है, जब बंद कर दे तो छीन लेना है, इस सब की बात होती है। एक अगला है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट आप सभी जानते हैं, हमारे सिस्टम में इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस में के माध्यम से हम लोग क्या सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आउटपुट डिवाइस से जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, बीच में समन्वय होता है, मतलब कि दोनों का इंट्रैक्शन होता है। तो ओएस क्या करता है, इनपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करने का कार्य करता है, किसके थ्रू? डिवाइस मैनेजमेंट। और हर डिवाइस का क्या होता है, ड्राइवर होता है, और ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे ही हम डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो उस ड्राइवर को वो क्या करता है, एक्टिव करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर है, लेकिन प्रिंटर का ड्राइवर भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आप प्रिंटर को रन नहीं कर सकते। तो एक तरह से ड्राइवर क्या है, तो उसको चलाने वाला, यानी आपको किसी भी हार्डवेयर का यूज़ करना है तो उसको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ओएस क्या करता है, उसी ड्राइवर को एज ए टाइम उसको रन कराने का कार्य करता है। अगला है प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे मैंने शुरू में बताया था, सिस्टम में केवल एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर क्या करता है, एक समय में केवल एक काम करता है, ठीक। जैसे हमने उसको काम दिया एक T1, T2 और T3, हमने उसको 3 टास्क दे दिए, ठीक। लेकिन वो करेगा पहले T1, बाकी 2 को क्या शेड्यूल करेगा, मतलब जो जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसका पहले उसको रखेगा, फिर उससे नीचे वाले को रखेगा, फिर उसके नीचे वाले रखेगा। यानी एक तरह शेड्यूलिंग काम करता है, नहीं प्रोसेसर पे लोड ना बढ़े। अगर प्रोसेसर पे तीनों एक साथ चले जाएंगे तो हमारा जो टास्क है वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और सिस्टम क्या होगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है, वो हमारे प्रोसेसर को मैनेज करता है कि प्रोसेसर पे किस काम को प्रोसेसर को देना है। तो मैनेजमेंट का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है, हम लोग इतनी सारी फाइलें रखते हैं, हर फाइलों की ड्राइव होती है, उस फाइल को क्या करता है, एलोकेट करने का काम करता है। क्योंकि मेमोरी क्या होती है, सेक्टर्स और ब्लॉक्स में डिवाइड होती है। ये हमारे सेक्टर, मतलब सी सेक्टर, डी सेक्टर, और हर सेक्टर में क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं इस तरह। तो जो फाइलें आती हैं वो सही ब्लॉक में जाएं, ए बी सी, ठीक है, सी वाली डी में ना आ जाए। तो एक तरह फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइलों का जो प्लेस होता है वो निर्धारण करता है, पहली बात। दूसरा, फाइल की इन्फॉर्मेशन, फाइल कब बनी, किस टाइप की है। जैसे हमने मान लो MS, मान लो तुमने नोट पैड पर कोई फाइल बनाई ए, तो उसको यार क्या ए.txt, ठीक।
doeacc ये बताता है कि ये जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है और नोट पैड या उससे सपोर्टेड सॉफ्टवेयर पे ही खुलेगी। कब बनी तो आप राइट क्लिक करके ये देख सकते हैं कब बनी इस फाइल का, मॉडिफिकेशन कब हुआ, कंपोज कब हुआ, कितने बजे बनी, ठीक है, किस यूज़र ने बनाया, उस सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है। तो आप फाइल मैनेजमेंट के थ्रू ओएस क्या करता है, फाइलों को प्लेस करता है और फाइलों की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अगला सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी एक बेसिक सिक्योरिटी जो होती है वो भी प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे भाई कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले क्या करता है, पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड मांगता है, कैसे मांगता है, क्योंकि वह पासवर्ड आपका स्टोर कर रखे रहता है, जब आप सही पासवर्ड डालेंगे मैच कराएगा तभी खुलेगा। तो कहने का मतलब है जो बेसिक सिक्योरिटी होती है कंप्यूटर की वो भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके अलावा आप एक ही सिस्टम पे दो अकाउंट बना सकते हैं ना, एक ए नाम से बना लिया, एक बी नाम से बना, ए वाला आएगा अपना पासवर्ड डालेगा वो अपने पे काम करेगा, उसी सिस्टम पे बी वाला आएगा वो अपना पासवर्ड डालेगा, बी वाला यूज़र खोल के अपना पासवर्ड डालेगा वो अपना काम करेगा। तो ए वाले यूज़र की जो फाइल होगी अलग होगी, बी वाले यूज़र की जो फाइल होगी वो अलग होगी, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर दो अकाउंट है तो हर एक अकाउंट की फाइल दूसरे अकाउंट पे में नहीं जाएगी, प्लस आपको पासवर्ड थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगला एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और क्या करता है, एरर डिटेक्शन, कोई भी सिस्टम में कोई भी एरर आती, खराबी आती या कोई भी बग आता है, बग मतलब सिस्टम में कंप्यूटर में एरर को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, कंप्यूटर में एरर को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो सिस्टम में कोई बग आता है तो ये मैसेज के थ्रू क्या करता है, ओएस को कलेक्ट करता है, यूजर को शो कराता है कि दिस ड्राइवर रिमूव या दिस ड्राइवर फेल्ड, सिस्टम इन लो मेमोरी, अगर मेमोरी कम है तो वही मैसेज आता है। यानी एक तरह से सिस्टम में कोई भी एरर या बग आता है तो ओएस क्या करता है, उस बग को हमें शो अप कराता है, और साथ ही साथ क्या करता है, करेक्शन, मान लो कोई बग आ गया, कोई एरर आ गई तो उसका हमें क्या करता है, उसका रिप्लाई भी करता है कि ये बग या ये एरर कैसे सही होगा। तो सिस्टम तो ओएस क्या करता है, आप एरर भी ढूंढता है, एरर को दिखाता है यूजर को, और उस एरर को कैसे ठीक किया जाए उसके स्टेप्स भी बताता है, यहाँ यहाँ जाके ये काम कर देंगे तो ये एरर दूर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए ओएस के, जिसके माध्यम से हमारा सिस्टम क्या होता है, इफिशेंसली अच्छा और बढ़िया काम करता है ये। तो इसके अलावा हमारे वो यूजर में इंटरफेस कराता है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बेस प्रोवाइड करता है, बिना ओएस के आप सिस्टम रन नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हार्डवेयर मैनेजमेंट है वो ओएस के माध्यम से ही होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फंक्शंस ऑफ ओएस। कोई भी दिक्कत आती है हमारे टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए उसमें बस इतना लिखिए बाइन टू प्रयागराज, उसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या मैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर भी आप कोई भी दिक्कत होती है पूछ सकते हैं, बाकी आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब आते हैं अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में क्या देखेंगे, ओएस कितने प्रकार के होते हैं। तो ओएस दो प्रकार के होते हैं, पहला CUI, दूसरा GUI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है GUI क्या होता है, दोनों में अंतर के, वो लेवल में अधिकतर आता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, CCC में आता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, चार ऑप्शन देगा इसमें से कौन CUI है, कौन GUI, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो CUI और GUI कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं CUI और GUI। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, और कहीं कहीं कैरेक्टर भी लिखा होता है तो वो भी सही है, कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, करेक्टर लिखा जाता है। तो करेक्टर या कमांड एक ही चीज़ होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, तो CUI और GUI, CUI का फुल फॉर्म कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक दोनों में अंतर समझ लेते हैं, CUI मतलब ऐसा इंटरफेस, ठीक, जिस किसके थ्रू, कमांड के थ्रू, यानी ऐसा ओएस जिसके थ्रू इंटरफेस जो होगा वो कमांड के थ्रू होगा, यानी वहाँ पे कोई पिक्चर, ग्राफिक्स, बटन, माउस, इन सब का यूज नहीं होगा।
वहाँ पे कोई भी काम करना हो तो आपको कमांड लिखना होगा, ठीक। जैसे आपको सिस्टम बंद करना होता है, इसमें कहाँ पे जाते हैं, शट डाउन पे, मतलब शट डाउन पे, वहाँ विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, शट डाउन ऑप्शन पे जाते हैं और बटन बन रहा था, शट डाउन पे क्लिक करते हैं और बंद हो जाता है। लेकिन आप सी वाइप इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जिट लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एग्जिट, ठीक। यानी हर चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। इसमें माउस का यूज ना के बराबर होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे आप जो भी कमांड, सही कमांड लिखेंगे तभी वो चीज़ें एग्जीक्यूट होगी या वो रन होगा। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट जगह EXOT कर दिया तो ये कमांड में एरर आ गया, और आप जो चाहते हैं कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो बंद नहीं होगा क्योंकि आपने EXOT कर दिया। यानी जो भी कमांड होता है वो प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन होता है, उस कमांड को आपको याद करना पड़ेगा और तब इस सिस्टम को आप चला सकते हैं। जब GUI नहीं आया था तो CUI इन्वायरमेंट पे ही सारा काम होता था, ठीक। और ये हार्ड टू लर्न होता है, इसको आप आसानी से सीख नहीं सकते, क्योंकि तो आपको पूरे कमांड प्रॉपर याद होने चाहिए तभी ये काम आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया आपका MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS हो गया आपका, आपका यूनिक्स हो गया, ठीक। यूनिक्स भी क्या है, एक GUI, कमांड यूजर इंटरफेस टाइप का OS है, ठीक। इसको आप अपने सिस्टम में, अगर आप करंट में सिस्टम यूज कर रहे हैं तो कुछ मत करिएगा, रन पे जाइएगा, रन पे क्या टाइप करिएगा, CMD, एंटर मार दीजिएगा, डॉस खुल जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हैं, रन कैसे आता है, विंडो जो की होती है कीबोर्ड की, उसके साथ अगर आर प्रेस करेंगे तो रन खुल जाता है। विंडो की के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो रन खुल जाएगा, उस रन वाले बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, CMD, इंटर मारेंगे तो डॉस खुल जाएगा। आप देखेंगे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी, वो भी OS है, जो आप पीछे यूज कर रहे हैं वो भी OS है, विंडोज़ का है, और CMD आएंगे वो भी OS है। जो आप पीछे कर सकते थे माउस के थ्रू वही सारा काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बस बशर्ते यहाँ पे आपको कमांड याद होना चाहिए, बिना कमांड के आप ये काम, मतलब CMD पे काम, सॉरी CUI पे काम नहीं कर सकते। हार्ड टू लर्न होता है, माउस का यूज नहीं होता, सारे चीज़ें क्या होंगी, कमांड के थ्रू होगी। इसीलिए करेक्टर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सारी चीज़ें लिख के होती हैं, तो कहीं कहीं करेक्टर होता है, कहीं कहीं कमांड होता है, ठीक। इसके अलावा दूसरा है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या हो, आप जाहिर सी बात समझ रहे होंगे, ग्राफिक्स, यहाँ पे जो OS होगा, इस टाइप का जो OS होगा उसमें ग्राफिकल यूज ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे कीबोर्ड के साथ साथ माउस का यूज बढ़ जाता है, यूजर फ्रेंडली होता है। ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता, इसको लोग आसानी सीख सकते हैं, इसको लोग आसानी सीख नहीं सकते। यहाँ पे आइकॉन हो गया, शॉर्टकट्स हो गया, पिक्चर हो गया, कलर हो गया, इन सब के माध्यम से कंप्यूटर आप चलाते हैं। यहाँ पे कोई चीज़, कुछ बटन, कलर, पिक्चर कुछ नहीं होगा, बोले ब्लैक स्क्रीन होगी। इसीलिए क्या, इजी टू लर्न है, ठीक। हर चीज़ का बटन है, हर चीज़ का आइकॉन है, हर चीज़ का शॉर्टकट है, वो सारी चीज़ें आपको GUI मिलती है। एग्जाम्पल तौर पर Windows 10 हो गया, Windows 7 हो गया, यानी विंडोज़ के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉरी विंडोज़ जितने भी OS होते हैं, वो सारे क्या हैं, GUI, केवल MS-DOS को छोड़ के। एग्जाम्पल में लिख लेना, एग्जाम्पल हो गया विंडोज का 7, 8, 10, P, विस्टा, ये सारे क्या हैं विंडोज़ के वर्जन से, पहले 7 आया, फिर 8 आया, फिर 8.1 आया, इस समय करंट में क्या चल रहा है, विंडोज़ 10 चल रहा है, करंट में क्या है, विंडोज़ 10 है। इसके अलावा आपका लाइनेक्स हो गया, इसके अलावा आपका मैक हो गया, मैक का फुल फॉर्म मैकिनटोस, या हमने CINTOSH, मैकिनटोस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप के OS हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे CUI GUI अंतर क्या है, तो दोनों ही OS के टाइप हैं। CUI में कमांड के थ्रू इंटरफेस होता है, और GUI में ग्राफिकल के ग्राफिक मैंने ग्राफिक्स आइकॉन बटन के माध्यम से इंटरफेस है। ये हार्ड टू लर्न होता है, ये इजी टू लर्न होता है, इसमें माउस का यूज नहीं करते, इसमें माउस का यूज अधिकतर करते हैं।
इसमें जो भी चीज इंटरफेस होती है वो कैरेक्टर के माध्यम से, इसमें जो भी इंटरफेस होगा बटन शॉर्टकट आइकॉन के माध्यम से होता है। एग्जांपल में आप एमएस डॉस लिख दीजिएगा, यूनिक्स लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, विंडोज एक्सपी 7, 8, 10, लाइनक्स, मैक, मैक का फुल फॉर्म मैकिंटोस, ठीक, यूनिक्स का ही अपग्रेडेड वर्जन लाइनक्स। यूनिक्स क्या था, टोटल ही सीयूआई था, लेकिन लाइनक्स जो है वो सीयूआई भी काम कर सकते हैं, जीयूआई भी काम कर सकते हैं। अगर आप सीयूआई चलाएं, जीयूआई के चलाएं, जीयूआई चलाएं, जैसे विंडोज़ होता है, आप चाहे कमांड खोल लीजिए चाहे ऐसे काम करिए, ठीक। तो यूनिक्स का ही स्टैंडर्ड वर्जन लाइनक्स है, ठीक। तो ये हो गए हमारे लेक्चर टोटल, हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ ओएस, ओएस के क्या क्या फंक्शन होते हैं और ओएस कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चीज़ें हमने चर्चा की। जब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे, हम लोग ओएस में थोड़ा और चीज़ें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी बात करेंगे, जो एक एक नंबर पूछे जाते हैं, जो ओ लेवल मैचिंग में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक ले, थैंक यू सो मच। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी हमारा हाल ही में रिजल्ट आया है जो कि बहुत ही बढ़िया आया, 99.99% रिजल्ट हमारा वो लेवल का आया है, जिसमें अधिकतर बच्चे बी ग्रेड ए ग्रेड से पास हुए। बस जैसा आपको बताया जाए वैसे आप मेहनत करिए, आपको इसी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो हमारे नोट्स मिलेंगे आपको उससे पढ़ना है, ठीक। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, नोट्स के लिए टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, टेलीग्राम पे सर्च करिए बिनाटूब प्रयागराज, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर हमारे कोर्स के पैकेज को लेना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे www.binarytube.in पर, www.binarytube.in पर जाके आप हमारे पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं या ले सकते हैं, और आने वाले जुलाई में आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ये तो गारंटी है। क्योंकि जब पैकेज आप लेंगे और नोट्स तो मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएंगे, टोटली सारा ऑनलाइन रहेगा, आप कहीं और जरूरत जाने की जरूरत नहीं है, देर नहीं है, बस आपको आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उस आईडी पासवर्ड से आप खोल के अपने जो भी पैकेज है उसको एक्सेस कर सकते हैं और हमारे द्वारा दी गई चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तब तक थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में हम लोग ओएस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक।